जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका gonora.com में। मेरा नाम दिलीप कुमार त्रिपाठी है और आज आपके लिए मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें एक बहुत ही चर्चित विषय के बारे में आज आपको बताने वाला हूं। बहुत ही हॉट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इसकी चर्चा हो रही है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। अगर मैं बात करूँ आपसे कि मैं शादी करने वाला हूँ, तो आपके मन में सवाल, मतलब आपके जो जेन्युइन आएगा आपके दिमाग में कि शादी करने वाले हैं, इसका मतलब है कि दो व्यक्ति की शादी होगी, एक लड़का होगा एक लड़की होगी जो शादी कर रहे होंगे। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं नहीं, यहाँ पर मैं खुद से ही शादी करने वाला हूँ, तब आपके मन में बहुत ही खतरनाक विचार आएगा कि यार ऐसा कैसे, खुद से कैसे कोई शादी कर सकता है या क्या होता है। तो ऐसा ही एक केस अपने इंडिया में भी हुआ है, गुजरात के अंदर, जिसमें एक लड़की ने खुद से ही शादी की है, जिसको सोलोगैमी टर्म बोला जाता है। तो आखिर हम जानते हैं विषय है क्या, क्या पूरा मामला है और इसके क्या क्या परिणाम देखने को मिल सकते हैं अपने इंडिया के अंदर। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। उस लड़की जिसका नाम क्षमा बिंदु है, उसने 11 जून को शादी कर ली, खुद से ही शादी कर ली, मतलब खुद की शादी, खुद से ही, खुद ही पति खुद ही पत्नी, उसने 11 जून को शादी कर ली। ये शादी उसने पूरा रीति रिवाज में किया, उसने लोगों को बुलाया था, खुद की मांग भरी, खुद को मंगलसूत्र पहनाए, खुद ही साथ फेरे लिए और सारी रीति रिवाज उसने की और खुद से ही शादी कर ली। ये मामला अभी देखने को मिल रहा है। तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आ रही होंगी कि अरे ऐसा कैसे हो रहा है, या ये क्या नई चीज सुनने को मिल रही है भाई, ऐसा दिमाग में आ रहा होगा ना। देखिए, आपके दिमाग में कोई भी तर्क हो या आपके दिमाग में कोई भी चीजें हो, बट इसका जो एक्चुअल तर्क है वो आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि आपने एक गाना है शीला की जवानी, जिसमें एक लाइन है, मुझे और किसी की जरूरत क्या, मैं खुद से ही प्यार जताऊं, ऐसा कुछ करके गाना है। तो इसी राह पर ये जो पूरा हुआ है, जैसे कि आप बोलते हैं सेल्फ लव, मुझे खुद से प्यार है, खुद से प्यार तक ठीक है, अब खुद से शादी भी करने के लिए ये मामला सामने आया है कि मैं खुद से ही शादी कर लूंगी और ये गुजरात के अंदर देखा गया अभी। तो हम खुद की शादी खुद से, इसको सोलोगेमी बोला जा रहा है और गुजरात के अंदर अभी देखा गया है। अब ये इसका तर्क यही है कि जब मुझे सारे काम मुझे खुद ही करनी है और मैं खुद से ही प्यार कर रहा हूँ, तो किसी दूसरे के अंडर मैं क्यों रहूँ। वो लड़की, उसका तर्क यही था और उसने खुद से ही शादी कर ली है। अब आप सोच रहे होंगे क्या ये लीगल है? नहीं, इंडिया के अंदर ये लीगल नहीं है, ये इलीगल कैटेगरी में आता है। और अगर आप सोच रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे मैंने बहुत लोगों से सुन रखा है, वो ये पूछते हैं क्या हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर ये लीगल है? नहीं, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर भी ये लीगल नहीं है। ऐसी कोई अभी तक हुआ, ऐसा केस हुआ ही नहीं है, फर्स्ट बारी ये इंडिया के अंदर ये केस हुआ है। तो चलिए, ये जो पूरा मामला हुआ है या पूरा जो केस हो चुका है, खुद से खुद की ही शादी, सोलोगेमी, खुद से ही प्यार, तो इसका हम जानने की कोशिश करते हैं आखिर ये क्या पहली बार इंडिया में हुआ है या कहाँ से आया है। सबसे पहले ये मामला 1993 में अमेरिका के अंदर लिंडा नाम की एक डेंटल थी, जिन्होंने खुद की शादी कर ली और ये रजिस्टर किया। ये पहला मामला देखने को मिला, जिसके बाद ये चीज़ फैलती गई और इसके साथ ही अमेरिका के साथ ही जो और भी पश्चिमी देश हैं, जैसे ब्राज़ील, कैनेडा, इन सब में ये मामले देखने को मिले, बहुत सारे केसेस ऐसे देखने को आए और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई। और यहाँ तक ये तो ठीक है, खुद का ही खुद से प्यार और खुद की खुद से शादी, जिसको सोलो गेमी बोलेंगे। लेकिन बहुत सारे मामले ऐसे भी देखने को आए हैं ब्राज़ील के अंदर। क्रिस गैलेरा नाम की खुद की एक ब्राज़ील की एक मॉडल है, इन्होंने खुद की खुद से शादी की, ये शादी 90 दिन तक चली। उसके बाद शादी के बाद इन्होंने 90 दिनों बाद इनको कोई दूसरा पसंद आ गया और फिर उन्होंने खुद का खुद से सोलोगमी डिवोर्स भी लिया, यानी कि खुद की खुद से शादी। चलो यहाँ तक तो ठीक है, आप लोगों को समझ में आएगा कि खुद की खुद से शादी कर ली, चले ये भी मान लिया हमने, बट खुद की अब मुझे खुद से प्यार नहीं करना, मुझे खुद से ही डिवोर्स लेना है, ये थोड़ा अजीब सुनने में नहीं लग रहा है? तो ये भी मामला देखने को मिला। 90 दिन तक उनकी शादी चली, उनको कोई दूसरा पसंद आ गया और फिर उन्होंने अपने को अपने से तलाक दिया और फिर वहाँ दूसरी शादी उन्होंने एक लड़के से की। तो क्या ये सही है? मतलब आपको क्या लग रहा है कि आखिर चल क्या रहा है, पूरा मामला हो क्या रहा है भाई, पूरे वर्ल्ड में हो क्या रहा है और वर्ल्ड की जो चीज़ें हैं, जो पश्चिमी देशों की चीज़ें हैं, इंडिया में भी आ रही हैं, तो आखिर ऐसा कैसे हो रहा है? और इसका थोड़ा और मैं बताने की कोशिश करूँगा आपको।
कनाडा के अंदर, जैसे कि हमारे इंडिया में शादी.com, matrimony.com जो शादियां करवाते हैं, तो कनाडा के अंदर है आई मैरिड मी करके एक वेबसाइट है जो खुद की ही खुद से शादी करवाते हैं, काउंसलिंग भी करवाते हैं, खुद की खुद से शादी करने के लिए काउंसलिंग भी करवाते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें वहां पर हो रही हैं। तो ये जो पूरा मैटर है ये हमको कहां लेकर जा रहा है? इंडिया में आप जानते हो सेक्स रेशियो की अगर बात किया जाए तो गर्ल्स की जो जनसंख्या है बॉयज के मुकाबले बहुत कम है, जो जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार है। अब आप लोगों के दिमाग में जो भी मेरे तरह यंग ब्रदर हैं उनके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी, सर अगर लड़कियां खुद की खुद से ही शादी कर लेंगी तो हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे जो जिनकी नौकरी नहीं लगती बच्चों की, उनकी शादियां वैसे भी नहीं हो पा रही हैं। और अगर ये नया प्रचलन इंडिया में चल गया कि खुद से खुद की शादी कर लो, तो ऐसे में हम अपनी नई पीढ़ी को कहाँ लेकर जा रहे हैं? खुद समझने की हम इसको कोशिश करते हैं कि हम अपनी नई पीढ़ी को कहाँ लेकर जा रहे हैं और क्या संदेश हम देना चाहते हैं। मुझे तो जो ये हुआ है, जो ये वाक्य अभी घटित हुआ है, ये एक पब्लिसिटी स्टैंड से ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है। देखते हैं कि ये जो शादी है कितने दिनों तक चलती है और क्या इसका प्रभाव हमारे देखने को मिल रहा है। बट एक चीज़ तो हमको समझ में यहाँ पर आई है कि जो पूरा मामला है ये कहीं ना कहीं हमारे जो सामाजिक जीवन है, हमारा जो वैवाहिक जीवन है और जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं प्रभावित करने वाला है। क्योंकि आपने हमारी इंडिया ने जो गे और लेस्बियन वाला केसेस थे उनको लीगल कर दिया है, अब ये नया मामला देखने को मिल रहा है। अगर ये भी लीगल हो रहा है, बच्चे या बच्चियां खुद की खुद से शादी करेंगे, उनको फिर किसी दूसरे से प्यार होगा और वो क्या करेंगे, फिर दूसरे अपने को ही तलाक देकर दूसरे से मैरिज करेंगे, तो ये कहां हम कहां लेकर जा रहे हैं अपनी सोसाइटी को? आखिर हमको इसके ऊपर सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? आप सभी यंग हो, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आप अपनी इसमें राय दीजिए। आप इसमें क्या सोचते हो? क्या सोलोगेमी मैरिज, खुद की खुद से शादी सही है, या इंडिया को इसको लीगल करना चाहिए? क्या आप इसका विरोध करते हैं या आप इसका सपोर्ट करते हैं? एक यहां पर एक टर्म और देखने को मिली है, बोलते हैं जेंडर इक्वलिटी। जो उस लड़की का बयान मैंने सुना है, वो लड़की बोलती है जेंडर इक्वलिटी के लिए उसने ये किया है। तो जेंडर इक्वलिटी को आप कहाँ पर देखते हैं? मेरा वीडियोस जो देख रही हैं, फीमेल भी देख रही होंगी, गर्ल्स भी देख रही हैं, तो आप मुझे बताइए क्या जेंडर इक्वलिटी का मतलब ये है कि खुद की खुद से शादी कर लेनी चाहिए? तो ऐसे में तो मुझे लगता है कि अब जो स्टेटस है किसी का सिंगल रहेगा ही नहीं। जिसकी शादी नहीं हो रही है उससे अगर पूछा जाए कि शादी हुई है, बोलेगी बिल्कुल बिल्कुल हुई है मेरी शादी। बोलेंगे कैसे? बोलेगा मैंने खुद से खुद की शादी कर ली है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें खराब भी हैं और अच्छी भी हैं। तो आप अपनी राय मुझे यहाँ पर बताइए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। जो भी आपके विचार होंगे आप नीचे कमेंट में लिखिए। और अगर ऐसे ही किसी टॉपिक के बारे में आप समझना चाहते हैं तो वो भी नीचे लिखिए, मैं उसके बारे में आपको वीडियो बनाऊंगा। अगर आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि उनको भी ये मामला समझ में आए और उनको भी मामला पता चले। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। कि शादी करके क्या मिल गया? शादी करके मुझे मोक्ष मिल गया। शादी करके मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मुझे किसी की जरूरत महसूस नहीं होती है और मैं खुद को हर तरीके से फुलफिल कर सकती हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं। और शायद मेरा किसी और के साथ रहना उनके लिए भी खराबी होता, मेरे लिए भी खराबी।